दिस इज मनीष शर्मा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो ये वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रेड जर्नल कैसे बनाते हैं, ट्रेड जर्नल बनाने के फायदे क्या है, और आप ट्रेड जर्नल में पेपर ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो अगर आप न्यू ट्रेडर हो तो। ये वीडियो पूरा ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं मेरा स्टाइल बताऊंगा कि मैं कैसे ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करता हूँ। मैं काफ़ी यूनिक स्टाइल से ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करता हूँ और डेफिनेटली आपको अच्छा लगेगा, तो वीडियो को पूरा देखना, ध्यान से देखना। सो स्टार्ट करते हैं। ट्रेड जर्नल बनाने के लिए आप पहले आपको ऐसा फॉर्मेट रेडी करना पड़ेगा। इसमें आप अपना पेपर ट्रेड भी नोट डाउन कर सकते हो और अगर आप रियल ट्रेड ले रहे हो वो भी आप नोट डाउन कर सकते हो। इससे आपको हेल्प होगा कि आपने क्या बेसिस पे ट्रेड लिया, कितने ट्रेड्स में आपके टारगेट अचीव हुए, कितने ट्रेड में आपके स्टॉप लॉस अचीव हुए और आपने क्या लॉजिक से ट्रेड लिया, सब कुछ आपको एक ही एक्सेल में मिल जाएगा। सो पहले आप ऐसा फॉर्मेट बना लो। सबसे पहला कॉलम होना चाहिए सीरियल नंबर, नंबर ऑफ ट्रेड्स आपने कितने लिए, एंट्री डेट, स्क्रिप्ट नेम, एंट्री प्राइस, एग्जिट डेट, एग्जिट प्राइस, स्क्रिप्ट नेम मतलब स्टॉक का नाम होता है, स्टेटस, स्टेटस मतलब टारगेट हुआ है या स्टॉप लॉस हिट हुआ है या आपने अर्ली एग्जिट किया है, जो भी आपने किया है वो आप लिख सकते हो यहाँ पर, क्वांटिटी और लॉट साइज। लॉट साइज अगर आपने F&O में ट्रेड किया तो लॉट साइज लिखना पड़ेगा यहाँ पर, अगर आपने इक्विटी में ट्रेड किया तो यहाँ पर आपको कैश मार्केट में जो भी आपने क्वांटिटी में ट्रेड किया वो लिखना पड़ेगा। P&L इन पॉइंट्स, P&L इन पॉइंट्स मतलब लेट्स से आपने कोई स्टॉक खरीदा 100 रुपये में और आपने उसको बेचा 105 में, सो आपने 5 रुपये का प्रॉफिट किया तो यहाँ पर आपको 5 रुपये लिखना पड़ेगा। लेट्स से आपने 100 रुपये में खरीदा और 95 में बेचा तो 5 रुपये का लॉस हुआ, तो पॉइंट्स यहाँ पे आएगा -5। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब टोटल P&L हम लोग कैसे निकालेंगे, पॉइंट्स मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी लॉट साइज, सो यहाँ पर आ जाएगा आपका टोटल P&L। और लास्ट कॉलम आपका ये होना चाहिए रिमार्क लॉजिक ऑफ ट्रेड, मतलब आपने क्या लॉजिक से ट्रेड लिया था वो आपको यहाँ पर रिमार्क लिखना है, तो आपका ट्रेड जर्नल रेडी होते रहेगा। और ये आपको ऐसा मंथ वाइज बनाना है, फॉर एग्जाम्पल अभी अगस्त मंथ चालू है तो यहाँ पर आप शीट का नाम अगस्त दे सकते हो और मंथ वाइज आप अपना ट्रेड जर्नल मेंटेन रख सकते हो। इससे आपको ट्रेडिंग में फायदा होगा क्योंकि आपको पता होगा कि आपने ये ट्रेड ये लॉजिक से लिया था, याद रहेगा आपको, और आपके पास एक क्लियर पिक्चर होगा कि आपने महीने में कितने ट्रेड लिए, उसमें से कितने स्टॉप लॉसेस हुए, कितने टारगेट हुए और क्या P&L हुआ। सो ये आप ही के लिए फायदा है। अगर आप नए ट्रेडर हो तो आपको ये मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, या आप पेपर ट्रेडिंग के लिए मेंटेन कर सकते हो, सीखने के लिए मेंटेन कर सकते हो, इससे डेफिनेटली आपके ट्रेडिंग में इम्प्रूवमेंट आ सकता है। यही एडवाइस होगा कि ये ट्रेड जर्नल आप अभी से मेंटेन करना चालू कर लो तो आपको ट्रेडिंग में बेनिफिट होगा। ये था नॉर्मल ट्रेडिंग जर्नल जो आपको यूट्यूब पे वीडियोज ऐसे मिल जाएंगे बहुत सारे, लेकिन जैसे आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो आपको पता होगा मेरे वीडियोज में काफ़ी यूनिकनेस आपको हमेशा मिलता है, तो आज भी ये वीडियो में आपको एक अलग यूनिकनेस मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, एक यूनिक स्ट्रैटेजी ट्रेड जर्नल बनाने के लिए। अब ट्रेड जर्नल में आप प्रॉफिट एंड लॉस दोनों ट्रेड मेंटेन करते हो, राइट? मैं आपसे पूछता हूँ, प्रॉफिट वाले ट्रेड जब आप देखते हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंस मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा, तो आप क्या करो, ट्रेडिंग जर्नल में से प्रॉफिट वाले ट्रेड डिलीट कर दो। प्रॉफिट वाले ट्रेड्स याद रख के आपको कुछ नहीं मिलने वाला, सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंस मिलेगा। अगर आपको याद रखना ही है तो आप अपने लॉस वाले ट्रेड्स का जर्नल मेंटेन करो, तो आपको ट्रेडिंग में ज्यादा फायदा होगा। यहाँ पे रिमार्क लॉजिक ऑफ ट्रेड के बदले यहाँ पर आपको लिखना है माय मिस्टेक इन दिस ट्रेड। सो आपको अपना ट्रेडिंग जर्नल जो बनाना है उसमें सिर्फ और सिर्फ लॉस वाले ट्रेड्स ही ऐड करना है और हर एक ट्रेड का आपको मिस्टेक लिखना है, राइट करना है माय मिस्टेक इन दिस ट्रेड। और जो लॉस का फिगर होगा, जो भी आपने लॉस किया, लेट्स से 5000 10000 व्हाटएवर, उसको हाईलाइट करना है और आपकी मिस्टेक्स को हाईलाइट करना है। एवरी मंथ ऑन मंथ आपको इसका एक प्रिंट आउट निकालना है और आप जहां पर भी ट्रेडिंग करते हो, जो भी आपका ट्रेडिंग डेस्क है वहां पर आपको ये स्टिक कर देना है। इससे आपको पता रहेगा कि आपने पिछले महीने में कौन से ट्रेड में क्या गलती की थी और हायर प्रोबेबिलिटी होगा कि वो आप मिस्टेक रिपीट नहीं करोगे। सो मैं ऐसे ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करता हूँ, काफी यूनिक तरीके से मेंटेन करता हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ लॉस वाले ट्रेड ही मेरे ट्रेड जर्नल में ऐड करता हूँ। प्रॉफिट वाले ट्रेड्स मैं ना मैं याद रखता हूँ और ना मैं एक्सेल में मेंटेन करता हूँ, क्योंकि प्रॉफिट वाले ट्रेड्स देखने से आपको सिर्फ और सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंस आएगा और लर्निंग आपको बिल्कुल भी नहीं आएगा। लॉस वाले ट्रेड्स जब आप मेंटेन करते हो तो आपको लर्निंग मिलेगा और आपको याद रहेगा कि आपने कौन से ट्रेड में क्या मिस्टेक किया था और हायर प्रोबेबिलिटी होगा कि आप अपना मिस्टेक रिपीट नहीं करोगे। आई होप आपको ये मेरा स्टाइल काफी अच्छा लगा होगा। प्रॉफिट वाले ट्रेड्स आप ट्रेड जर्नल से हटा दो, सिर्फ और सिर्फ लॉस वाले ट्रेड का जर्नल मेंटेन रखो, मिस्टेक्स को हाईलाइट करो, टोटल लॉस जो आपने किया उसको हाईलाइट करो और एक प्रिंट आउट लगा के आपके ट्रेडिंग डेस्क पे लगा दो। एक दो महीना करके देखो,
तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। डेफिनेटली आपको पता चलेगा कि आप क्या मिस्टेक्स कर रहे हो और आप हायर प्रोबेबिलिटी होगा आप अपने मिस्टेक को रियलाइज करना स्टार्ट कर दोगे और उसको रिपीट करना स्टॉप कर दोगे। जैसे कि मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि हर एक वीडियो में मैं आपको कुछ यूनिकनेस ला कर दूँ, और मेरे चैनल पे आपको बहुत सारे यूनिक वीडियोस मिलते रहेंगे। आई होप आपने लास्ट वाला वीडियो देखा होगा ट्रेडिंग साइकोलॉजी, जहाँ पर मैंने क्रिकेट का एग्जाम्पल देके काफ़ी अच्छे तरीके से ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपको समझाया है। अगर आपने नहीं देखा वीडियो तो वो भी आप वीडियो ध्यान से देख लेना, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो था वो भी। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और ये वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला। सो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी इन द नेक्स्ट वीडियो।